हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग सोयल के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोयल के अंदर क्या क्या चीज़ हमको प्रेजेंट रूप से देखनी होती है और किस किस बातों का हमको ध्यान रखना होता है कि ये हमारे लिए सोयल अच्छी है या अच्छी नहीं है, या हमारे लिए गुड क्वालिटी की सोयल है या नहीं है। उस क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लेबोरेटरी के अंदर सोयल को चेक करते हैं और हमको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो सोयल का हम जो टेस्ट करते हैं जीएस से, उस जीएस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज एनालिसिस बोलते हैं। और ग्रेन साइज एनालिसिस का जो हमें आईएस कोड होता है वो 2720 पार्ट नंबर 4 में प्रोसेस दिया होता है। और इसके अंदर सबसे पहले हमको मेन बात ये देखनी है कि जो हमारे पास सोयल होती है, उस सोयल को जब हम जीएसए करने के बाद उसकी हम ग्रेडेशन कर देते हैं। ग्रेडेशन करने के बाद जो हमें 0.075 माइक्रोन की सीव होती है हमारे 75 की, उसका रिटेन जो वेट मिलता है और जो उस 75 माइक्रोन सिम में से जो पासिंग हो जाता है उसको हम जीएसए बोलते हैं। और जीएसए के अंदर को चेक करने के लिए हमको सिल्ट एंड किले की ज़रूरत पड़ती है कि इसके अंदर कितना परसेंट सिल्ट होना चाहिए और कितना परसेंट सिल्ट की हमको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमको 25% नॉट मोर देन सिल्ट एंड किले, कहते हैं कि जो सोयल को हम चेक कर रहे हैं उस सोयल के अंदर 25% सिल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा टॉपिक पर हम चलते हैं, FSI, जो सोयल का सेकंड जो टेस्ट होता है उसको हम FSI बोलते हैं। और उसको हम उसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्री स्वेल इंडेक्स होता है। और इसका जो IS कोड रहता है वो 2720 पार्ट नंबर 40 होता है। उसको हम कैसे करते हैं, हमारे पास एक शीव होती है माइक्रोन के अंदर 425 माइक्रोन शीव होती है। उस माइक्रोन में से कोई सैंपल, एक सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं ड्राई करने के बाद। उस सैंपल को हम एक 425 माइक्रोन सीम में से उसको पास कर लेते हैं। और पास करने के बाद उसको हम 10-10 ग्राम वेट करके दो जो हमारे पास बीकर होते हैं उसमें डाल देते हैं। एक बीकर में वाटर होता है, एक बीकर में क्रोशिन होता है। और उसको हम सिर्फ यही चेक करना होता है कि वाटर के अंदर कितने परसेंट हमारी जो सोयल डाली है, 10-10 ग्राम डाला है, वो कितना परसेंट मतलब स्वेलिंग करती है, मतलब फूलती है वाटर के अंदर 20 आवर्स के अंदर। कितनी मतलब 20 आवर्स रखने के बाद कितनी स्वेलिंग करती है, 10 ग्राम 20 ग्राम क्या परसेंट होते हैं, वो चीज़ होते हैं ना, वो क्या चीज़ होते हैं कि हमारे पास चेक ऑफ द स्वेलिंग सोयल इन वाटर 50% नॉट मोर देन, क्योंकि जो स्वेलिंग का जो रिजल्ट होता है वो हमको 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 50% से अगर ज़्यादा मिलता है, परसेंटेज मिलते हैं, तो उस सोयल को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि MDD। तो तीसरा जो टेस्ट होता है हमारा MDD होता है। MDD को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। और उसका जो IS कोड होता है वो 2720 पार्ट नंबर 8 में देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास एबैगमेंट होता है इसकी मिनिमम MDD कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1.65 ग्राम पर CC का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हमारे पास जो सबग्रेड होता है, सबग्रेड की MDD कितनी होनी चाहिए, 1.75 ग्राम पर CC होना चाहिए। और उस बेड के अंदर जो लेयर डाल रहे हैं उस बेड का जो हमको कॉम्पैक्शन होता है बैगमेंट का, वो 95% से कम नहीं आना चाहिए। और सबग्रेड का जो कॉम्पैक्शन होता है बेड का वो 97 से कम नहीं आना चाहिए। और जो ओजेल होता है, ओरिजिन ग्राउंड लेवल होता है कॉम्पैक्शन, उसका 90-95 से हमको कम नहीं मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ इनसे लेस देन आ रही है तो हम उसको दोबारा प्रिपेयर करते हैं, रेक्टिफिकेशन दोबारा कराना पड़ता है इसके लिए। फिर हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कि सोयल सैंपल सोल्यूबल इन GSA टेस्टिंग। तो सोयल सैंपल को हम जब सोल्यूबल करते हैं GSA टेस्टिंग के लिए, तो उसके अंदर से क्या होता है कि 50% उस सैंपल के अंदर 50% हमको सोयल प्रेजेंट होनी चाहिए। कहा जाता है कि 4 नंबर पे सोयल सैंपल सोल्यूबल इन GSA टेस्टिंग। तो उसके अंदर के जो GSA करने के बाद हम देखा कि हमारे पास कितने परसेंट सोयल बची है, कितने परसेंट हम सील्ड क्ले को निकाल चुके हैं। उस जो सैंपल है हमारे पास जो बोर एरिया का, उसके अंदर 50% सोयल प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास 50% से सोयल कम है तो आप समझ लो इसके अंदर सील्ड एंड क्ले की मात्रा 50% से ज़्यादा जा चुकी है, तो इसलिए हम उस सोयल को रिजेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट पर जाता है कि नॉट मोर देन द प्लास्टिक लिमिट इन द सोयल 25% से। और जो हमारे पास सैंपल होता है सोयल का, उस सैंपल को चेक करने के बाद हमको पता लगना चाहिए कि उसके अंदर 25% से नॉट मोर देन द
प्लास्टिक लिमिट कि 25% से ज़्यादा इसके अंदर प्लास्टिक लिमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी चिकनाई वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर इसका हम 6 पॉइंट पर आ जाते हैं कि लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या बोलते हैं, एलएल बोलते हैं। एलएल का जो हमारा आईएस कोड होता है 27-20 पार्ट नंबर 5 होता है, वो नॉट मोर देन द 45%। जब भी हम एलएल करते हैं तो एलएल की जो वैल्यू होती है वो 24 से 20 डेज होती है पेनिट्रेशन के अंदर, और दूसरे वाले जो क्रॉस सेकेंड होता है उसके अंदर 15 से 35 की परसेंटेज दी होती है। तो उसकी परसेंटेज से हमको जो उसकी लास्ट होती है 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक 7 नंबर पॉइंट पे, कहते हैं कि सोयल सैंपल इन सीवियर वैल्यू विद अबैकमेंट लेयर। अबैकमेंट लेयर की जो लेयर डली होती है उस अबैकमेंट के लिए जो हमारे पास सीवियर वैल्यू हमको चाहिए वो मिनिमम 8% से कम नहीं होनी चाहिए। अबैकमेंट की जो लेयर डलती है उसके अंदर मिनिमम 8% से कम नहीं होनी चाहिए। और उसी प्रकार से हमारे सबग्रेड जो लेयर डालते हैं, सबग्रेड लेयर के अंदर जो भी हम मिट्टी डाल रहे हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास सीवर से 12% से कम नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको हर टाइम पर मिलती रहेगी। ये लेबोरेटरी टेस्टिंग है, अगली नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा WM GSB और DBM पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।